75 वर्षों की विकास यात्रा के साथ साथ आने वाले 25 वर्षों के लिए हमारा देश वैश्विक पटल पर एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में सामने आए। आजादी का अमृत महोत्सव से भी संस्था है इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के लिए समर्पित हो हमारे सभी प्रयास राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान करें, तभी आजादी का यह पर्व भारत की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का पर्व बन। बहुत बहुत धन्यवाद। अवेयरनेस कैंपेन एंड स्वच्छ भारत अभियान मैं सभी जो भी हमारे रैली में भाई बहन हैं उनसे निवेदन करती हूँ कि ये रैली सबसे बड़ी महिलाओं द्वारा संचालित संस्था ब्रह्मा कुमारीज के महिला प्रभाग का ये अभियान। इस अभियान के तहत भारत के विभिन्न शहरों में महिला सशक्तिकरण द्वारा समाज परिवर्तन के कार्यक्रम बेटी बचाओ सशक्त बनाओ नहीं होंगी। इसके अलावा पारंपरिक वेशभूषा प्रतियोगिताएं और यहाँ उपस्थित सभी साधक साधिकाएं अपनी एक अलग चेतना होती है, ऊर्जा का अपना ही एक अलग प्रवाह होता है। ये ऊर्जा उन महान व्यक्तित्वों की होती है जिनकी तपस्या से वन पर्वत पहाड़ भी जागृत हो उठे। मानवीय प्रेरणाओं का केंद्र बन जाते हैं। माउंट आबू की आभा भी दादा लेखराज और उनके जैसे अनेकों सिद्ध व्यक्तित्वों की वजह निरंतर बढ़ती रहती। आज इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है साधना भी है, इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी है। मैं देश के संकल्पों के साथ देश के सपनों के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए ब्रह्मा कुमारी परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत की आध्यात्मिक सत्ता के पास रही है, मुझे पूरा आप देखिएगा अगर इस प्रकार से लोगों का आना हुआ देखेंगे यहां की हर बात को समझेंगे तो अपने आप को भारत के छाइयों को।